तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी बुराई देखी, इतना हराम मेरे अंदर है, मैंने हराम छोड़ दिया। मेरे बच्चों ने देखा, उन्होंने भी छोड़ दिया। मेरे नबी ने अपने घर से ही तो शुरू किया था। पहले खदीजतुल कुबरा ने माना, अली मुर्तजा ने माना, हजरत जैद ने माना। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। घर ही से तो स्टार्ट लिया, तुम बेवकूफ हो, दूसरों के घर से स्टार्ट करोगे? हुजूर फरमाते हैं, जब किसी के घर में जाओ तो दरवाजे पे कहो अस्सलामु अलैकुम। गल्ला ना पढ़ाया करो, ये सारा असी पढ़े होया दीन, असी ये सारा दीन पढ़े होया। दूसरी बार कहो अस्सलामु अलैकुम, तीन बार कहो अस्सलामु अलैकुम, दरवाजा खुल जाए तो अंदर जाना, नहीं तो लौट जाना। ठीक है समरिया। जिस घर में कोई ना हो, अगर वहां तुझे जाना है तो कहो, कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ठीक है, रुको जरा, सबर करो। क्या मतलब? सुन्नियों के घर में जब कोई नहीं होता तो उसका नबी होता है। कहाँ पे लिखी हुई है बात मेरे भाई? इसलिए हमारे परिवार को खतरा नहीं, खतरा उन्हें है जिनके घर में नबी नहीं होता। इतनी बड़ी मैं के ऊपर सुभान अल्लाह, अल्लाह कहना चाहिए लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, ऐसे झूठे पे अल्लाह की लानत हो जो ये दावा कर रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, कौन है ये पागल आदमी? हाजिर और नाजिर का अकीदा कुरान और सुन्नत में कहीं भी इस नाम से मौजूद नहीं है, ये खालिसतन सूफिया की इस्तलाह है। और सूफिया का मानना यह है कि इमाम कायनात सैयद अल-अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल आलमीन सैयदुना व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब इस दुनिया में मौजूद थे उस वक्त भी और इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी क़यामत तक के लिए पूरी उम्मत के हालात से वाकिफ हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक अगरचे मदीना शरीफ की कब्र में है लेकिन रूहानी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के अंदर मौजूद है। और इसमें यहां तक इनका अकीदा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत से पहले भी जितनी उम्मतें गुजरी हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उन तमाम उम्मतों पर भी हाजिर और नाजिर हैं, तमाम हालात का मुशाहिदा फरमाने वाले हैं अपनी पैदाइश से पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से वफात के बाद। और यह अकीदा सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उन्होंने नहीं रखा बल्कि अपने बुजुर्गान दीन और पीरों और मशायख के बारे में भी अकीदा रखा, वो मैं आगे बता दूंगा। और ये इतना बड़ा दावा जो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश से पहले भी उम्मतों पर हाजिर और नाजिर थे, ये मोरितानिया के अंदर एक सूफी गुजरे हैं आज से 200 साल पहले, अहमद बिन मोहम्मद सावी मालकी, उनकी तफसीर है सावी। ये फौत हुए 1223 हिजरी में, आज से तकरीबन 200 साल पहले। सूरतुल कसस की आयत नंबर 44 ता 46 की तफसीर के दौरान उन्होंने ये मौकफ अडॉप्ट किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली उम्मतों पर भी हाजिर नाजिर थे और क़यामत तक हाजिर नाजिर है। वलियाउज़ु बिल्लाह का। अब उस कड़वी बात की तरफ आए कि इस अकीदे का बानी कौन है, और वो पर्सनैलिटी है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अल मुतवफा 1052 हिजरी, आज से तकरीबन 400 साल पहले ये गुजरे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।